और अब एक दुखद खबर आपको बता दें, मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ के अग्रवाल नहीं रहे। कोरोना के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे और पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। उनके परिवार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक कल रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर अग्रवाल ने कोरोना संकट के दौरान लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक किया। वो दिन में कई बार फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव करते थे और लोगों को जागरूक करते थे। साथ ही वो लोगों के पूछे सवालों का जवाब भी देते थे। जाहिर है डॉक्टर अग्रवाल खुद को भले ही ना बचा सके, लेकिन लोगों को संदेश दे दिया कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन ही कोरोना से बचाएगी। प्रतिमा, वाकई ये काफी बहुत दुखद है मलिका मेरे लिए, क्योंकि पर्सनली मैं डॉक्टर के अग्रवाल को जानती थी। मैं जानती हूँ, रिपोर्टिंग के शुरुआती दौर में उनसे मिलना होता था और कई ऐसे मौके आए हैं जब उनकी बाइक लेने के लिए उनके पास जाना होता था। बहुत ही हंसमुख किस्म के डॉक्टर थे, बहुत अच्छी बातें शेयर करते थे, बहुत अच्छी जानकारियां शेयर करते थे, और ये पर्सनल लॉस है बहुत सारे लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये कि खुद एक डॉक्टर हैं, वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना से वो नहीं बच सके। ABP News आपको रखे आगे।